सतनाम वाहे गुरु साहिब जियो, राग बिलावल महला नौवा, दुपदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, दुख हरता हर नाम पछानो, अजामल गनिका जिह सिमृत मुक्त भये जी जानो। दुख हरता हर नाम पछानो, अजाम गनिका जिह सिमृत मुक्त भये जी जानो। रहा गज की त्रास मिटी छिन हूं मैं, जब ही राम बखानो। नारद कहत सुनत ध्रुव बारिक, भजन माहे लपटानो। अचल अमर निर्भय पद पायो, जगत जाहे हैरानो। नानक कहत भगत रक्षक हर, निकट ताहे तुम मानो। अचल अमर निर्भय पद पायो, जगत जाहे हैरानो। नानक कहत भगत रक्षक हर, निकट ताहे तुम मानो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु, तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश, शाम समय दे इना पावन दीवाना नूं असीं माण रहे हां। गुरु हजूरी नूं मानदिआं गुरबाणी कीर्तन आप सरवण कर रहे सी। हुण समां बणिआ गुरु शब्द व्याख्या दा। इस विच राग बिलावल चल रहा है। बचनां दी विचार करदिआं होइआं दुपदिआं दे ही वाक असीं लगातार विचार रहे हां। बीते दे विच गुरु अर्जन साहब द्वारा उचरित कीती गई मुकामी रचना विचारी जा रही सी। अज तो महला नौवा, गुरु तेग बहादुर पातशाह नानक जोत का नौवा जामा, उन्हां द्वारा उचरित कीती गई मुकामी बाणी सानू प्राप्त हो रही है। सो सिरनावा है राग बिलावल महला नौवा, दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अकाल पुरख वाहगुरु एक है, ओंकार है, अविथ एक रस लगातारता नाल व्याप रहा है। वो परिपूर्ण जो सर्वस्व सब कासे च मौजूद आ, सब कासे दा असल रूप आ, जिसनों असी हर जर्रे जर्रे च जरखेज होया एहसासते हाँ, ते जिदे करके ही सबे शो रन हो रहे हैं, सब चीज़ां चल रही ने। उसकी शक्ति दी जो सिद्धि है, जो प्राप्ति है सतगुर प्रसाद, सच्चे गुरु की नवाजिश नाल सानू उस आभास नू प्राप्त करन दी समर्था मिलती है। अगे वाक प्रारंभ हो रहा है, रहाओ दे बन तो विचार का आगाज कर रहे हैं। गुरदेव जिक्रे करते ने, दुख हरता हर नाम पछानो, अजामल गनका जिह सिमरत मुक्त पए जी जानो। रहाओ
अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाम की महिमा आ, उस नाम की महिमा नू बंदे नू समझाउण वास्ते जिस गिवन जोग्राफिकल एरिए दे विच जिवें परिपूर्ण अकाल पुरख जी का हुक्म ते उहदे मुताबक गुरु बाबा जी कहिंदे मैं अपनी ड्यूटी बजा रहा, उस खित्ते दे विच जो मनुखा ने हजारां हजारां साल की जिंदगी जी के हजारां हजारां जिहड़ियां जनरेशनस ने जिंदगी जी के उत्थे जो कुछ डिवेलप किया आस्था के लैवल से विश्वास के लैवल से बिलीव के लैवल से उस सारे नू गुरु बाबा जी ने बाणी दे च जगह जगह एग्जाम्पल के रूप में कोट किया है, उदियां मसालां दित्तियां ने। इहदे च दो चीज़ां कई बार असीं देखते हाँ, एक तो बहस बड़ी वड्डी हुंदी है कि सिख कोई वक्खरा रिलीजन नहीं हैगा, इट्स ए पार्ट ऑफ वट एवर वॉज एग्जिस्टिंग इन साउथ एशियन एरिया, जिसनों रीसेंटली हिंदू मत कह दिता जाता है, हालांकि अपने आप विच कोई नहीं हैगा। उते एक टर्मिनोलॉजी जिहड़ी बाद दे विच उतों दे एलीट नू सूट कर गई तो उसने उसनों उस तरीके नाल यूज कर लिया। अदरवाइज धर्म के आधार पर तो सनातन मत है, शैव मत है, वैष्णव मत है, जैन मत है, बौद्ध मत है, ये वक्रे वक्रिया संप्रदावान या वक्रे वक्रे इस किस्म के स्कूल ऑफ थॉट ने। भगती दियाँ वक्रिया वक्रिया लहर भी उत्थे हैगियां ने, बन गई ने, मौजूद ने उस रूप के। तो जो इस किस्म की एग्जाम्पल कोई पढ़ता तो कहिंदा जी ये देखा ना उदी पार्ट एंड उदा हिस्सा आ रहा उस रूप के। गल यह है कि जिस ढंग नाल गुरु बाबा जी ने सारी चीज़ नूं प्रजेंट किया आ, जो सिखी स्कूल ऑफ थॉट जिन्हों सी सिख विचारधारा तो सिख संपूर्ण एक जीवन जीण दा ढंग वे ऑफ लाइफ कहने आ, दैट वॉज टोटली न्यू एंड यूनीक। वो किते भी उत्थे उस तो पहला सानू उस रूप में प्राप्त नहीं होंदे। थॉट्स मिलते ने डिफरेंट डिफरेंट, पर उस सारे नूं जिवें कोई कोई चीज़ किसी जगह पर थोड़े बहुत रूप में पार्ट्स एंड पार्सल मैनुफैक्चर होंगी है, पर जो उस सारे एक जगह पर असैम्बल किया जाता है उस तो बाद वो चीज़ होंद विच आउंदी है। अदरवाइज वो जस्ट छोटे छोटे पीसिज ही है उस रूप के अंदर, तो पीसिज हर थान पर मौजूद। बाबा जी ने बाणी च भी बयान किया, जे नाम की गल की महाराज ने इतनी ज़्यादा, तो बाबा जी ने कोट करदिया बिल्कुल भी देरी नहीं लाई, जो क्या वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनह नाहीं फिरें ज्यों बेतालिया। बाबा जी ने कहा तुहानू झूठा साबित करना ते तुहानू छोटा साबित करना एक कोई मकसद नहीं साडा, ना इंसान का मकसद एवें होना चाहिए किसी नू लैट डाउन करना ते किसी नू जिहड़ा हैगा किसी इनफीरियर फीलिंग लैके जाना, ना। बल्कि गुरबाणी तो कहिंदी बेद कतेब कहो मत झूठे झूठा जो ना विचारी। भाई गल ये है असी जो मनुखी सिविलाइजेशन ने किसी रूप में भी डिवेलप किया उसनों उन्होंने सरकम सांसज हालातों में पा के देखो गोखो पड़तालो, तुहानू पता लगेगा उस सिचुएशन मुताबक वो किन्ने कारगर ने किन्ने कारगर नहीं। पर उस चीज़ के उत्ते ये कहना कि नहीं नहीं क्योंकि ये तेरा विश्वास आ तो इस करके मैं इन्हों छुटे आ रहा ना, ऐसा कुछ नहीं। ये तो फिर मनुख होने का मायना ही ना रह गया, फिर तो मनुख किसी बायस स्कूल ऑफ थॉट चला जाएगा, फिर तो इंसानियत गर्क जाएगी, फिर तो जिहड़ी एनिमिटी वाली एक अप्रोच आ दुश्मनी वाली अप्रोच आ उही साबित रहेगी, तो उहदे विच तो फिर बंदे मनुखता का कान होएगा। बाबा जी ने बात की चंगियाई वडियाई अच्छियाई शुभता गुण अकल सोझी समझ वट एवर नेम एनी वन वॉन्ट टू प्रैफर कितों भी मिले लै लो, दैट इज सिखी। ये कोई किसी नाल बायस नहीं, कोई किसी के नाल किसी किस्म की कोई एनिमिटी नहीं हैगी, एक यूनीक मैसेज है। सबनों इंकलूड करना, सारियां दी सांझ पाउणी, तो ये गुरु नानक का मत आ, गुरु नानक का असल स्कूल ऑफ थॉट आ, असल धर्म है, असल राय है गुरु साहब की। इस तरीके ने बात की। बाकी जिस खिता जिहड़ा खिता कहिंदा कि असी तो बहुत धर्मी हाँ, सब तो पुराना
रिलीजन ही साडा आ, साडे कोल एंशियंट टाइम दी विजडम आ, सारा कुछ है। भाई बिल्कुल ठीक गल है, पर एक्सरसाइज करो ना उहदी। जे एक्सरसाइज नहीं करोगे, जे उसनू अपलाई नहीं करोगे, तां ते पता नहीं लगेगा ना भी है कि नहीं है। जे अपलाई करांगे ते अपलाई ये करांगे कि एक जात सब तो उच्ची है, दोस्त तो छोले छोटे पौडे तिन, ते तीसरी शुद्रा अछूत या बिल्कुल अनटचेबल आ। करो प्रैक्टिस, पता लगेगा समाज की हालत बनेगी, दुनिया पद्धर ते क्या जाएगा, ये चीज अनएक्सेप्टेबल आ। फिर किवे क्या जाए कि यह चीज जड़ी हैगी आ रूप है, नॉन प्रैक्टिकल है। हाँ विच कुछ चंगियां चीजा हैगियां ने, बाबा जी कहिंदे उन्हां पकड़ो, जिहड़ियां नहीं अपनाण योग उन्हां आप मनो, नहीं अपनाइया जा सकदियां छड़ दिओ। ते मुड़ के एहो जिहियां विचारां चलियां, मूवमेंट्स चलियां, आ रहा समाज देवो समाज ब्रह्मो समाज। तुसीं देखो जिन्हां ने आप थोड़ा बहुत जो मॉडर्न रिलीजियस स्कूल आ उस खिते चो स्टैबलिश किया, पर हुंदा ये है कि बंदे की एक अजीब तरह की हालत आ कि बंदा अकिरत कण होने दे विच ज़्यादा विश्वास रखता। अदरवाइज गुरु बाबा जी ने जो भगतान ने मतलब जो किया उस खिते दे उस तो वधिया होर की को आइडिया देंदा ते की को आइडियोलॉजी हो सकती है। जे पूजन योग है कोई उस खिते दे विच, जिहदे उपदेश पूजन योग है, जिहदा उपदेश फॉलो करन योग हैगा, उह ते भगत कबीर जी ने, भगत रविदास जी ने, भगत नामदेव जी ने, गुरु नानक साहब ने, होर किनू फॉलो करोगे। जे इन्हां नू छुट किते होर असी जगह ते सज्जे खब्बे भजांगे सिर्फ अपने ही किसी बायस थॉट करके, डेफिनेटली सानू वह चीज़ ना मिलेगी। सोना छड़ के पित्तल लभांगे। बाबा जी की बाणी ने हर चीज नू इनकलूड किया, चंगियाईयां वडियाईयां शुभता मनुख की झोली पाई, जिस चीज की जिस एक्सरसाइज के नाल बंदा अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग कर सकता, उहदी गल है इस शब्द के विच। ते उहदे लई गुरु महाराज ने एग्जाम्पल्स उस खिते दे उन्हां शास्त्रां ते उन्हां प्राणियां लिखावटां दे विच जो करैक्टर पे से मिथिहास विच मिथियोलॉजी च उन्हां नू कोड करके समझाया भी इन्हां वल देख लो भाई थोड़ा जिहा। जिवें बचन आया इत्थे, दुख हरता हर नाम पछाणो, दुख हरन वाला हरी दा नाम पहचान लवो, हरी दे नाम नू जाणो, ये दुख हरन वाला आ साडा। रब दा नाम साडे दुखां नू दूर करदा, दुखां दा दारू है वो। अगला बचन आ, अजामल गनका जिह सिमरत मुक्त भए जी जानो। हुण इत्थे दुख नू भी समझिए, दुख की है। जे असीं इतिहास पढ़ते हाँ तो कनौज का एक बड़ा विभचारी ब्राह्मण, उहदा नाम है अजामल, ये इतिहास कहिंदा है। उसने विभचारी जीवन दे अपना मोस्टली समा बतीत किया। ये भी लिखा मिलता है कि जिसनों प्रोस्टिट्यूट किया जाता है, वैश्या, उहदे नाल उसने विआह करा लिया। तो उस तो बाद उहदे 10 बच्चे होंदे ने, मतलब क्या गया लोअर करैक्टर है उहदा उस रूप दे विच। तो उन्हां दसां दे विचों जिहड़ा सब तो छोटा बच्चा होंदा उहदा नाम रखदा वह नारायण। उहदे नाल मोह बड़ा करदा है, ते बड़ा करदा है। तो फिर कहिंदे भी वह नारायण ना रख लिया, पर वह लेंदा नहीं गा। क्यों? क्योंकि कहते भी उदी बिल्कुल नारायण ते आस्था नहीं है। अखीर मरण के टाइम ते पहुँच जाता है, तो जो अखीरले टाइम ते आता तो क्योंकि मोह सीगा उस बच्चे दे नाल, ते फिर उन्हों आवाज़ मारदा नारायण। तो कहते इन्ने भाव नाल आवाज़ मारदा असल नारायण आ जाता, तो मुक्त हो जाता है। ये एक स्टोरी है जो लिखावटां च आउंदी इस रूप दे अंदर। फिर मैं बेनती करांगा, एक कहानी है। कहानी दा यथार्थ की हुंदा आ कि ये दो समासां दे सुमेलन बनया होया एक वर्ड आ। उह दो समास केड़े ने? कहा प्लस नी। जो कहा गया आ
होया या नहीं इहदी गरंटी नहीं, कहानी ओ हुंदी है। जे मैनूं एग्जाम्पल रूप विच देवां कि बच्चा माँ दे कोल बैठा है ते माँ उहनूं कहिंदी बेटा ओ देख चन्न मामा किन्ना सोहणा आ, किन्ना खूबसूरत लगदा, किन्नी चाननी फैलाउंदा आ। बच्चा बच्चा अपनी नज़र धरती ते मारदा आले दुआले ते कहिंदा वेयरस मॉम, आम नॉट एबल टू सी इट। वो देखदी किधर देख रहा है, वह कहिंदी ओ हाँ इहनूं अजे पता नहीं लग रहा मैं किधर इशारा कर रही हाँ। फिर वह कहिंदी अच्छा बेटा मेरी उंगल वल देख, वह फिर उहदी उंगल वल देखदा, फिर उंगल चकदी चकदी इस तरीके लै जांदी, कहिंदी ओ देख। उस तो बिल्कुल उंगल की सेध दे इस तरह नज़र पाउंदा दूर चन्न दिस जांदा। कहानी ये करती है, कहानी सच का रूप नहीं होंदी पर तुहानू सच तक ले जाण दे समर्थ होंदी है। सिर्फ उंगल होंदी, इशारा होंदी है, नज़र तुहाडी उत्थे लै जांदी है। कहानियां इसे रूप च बयान होंदियां ने। हुण इहदे च जिहड़े लोग बड़े तारक कवे नाल गल्लां करदे ते पुराणिक कहानियां दी चीरफाड़ भी करते, बड़ा ऐसा लिखिया भी काफ़ी कुछ गया आ, साढ़े घर भी बड़े लोगों ने लिखिया आ कॉपी करके दूजे पास्यों, पर एक पूरे का पूरा इंटलैक्चुअल तबका आ सैक्ट आ जिन्हें सरिता या सरिता मुक्ता मैगजीन लंबी चौड़े रूप चलाई इंडिया दे विच, उन्होंने बड़ी यदि यहो जी चीज़ों की चीरफाड़ की है, जिहड़े खास करके तर्कशील रैशनलिस्ट अखवाउंदे अपने आप नू। भई गल ये है कि चीरफाड़ करन उत्ते किसी चीज़ नू भी सज्जे खब्बे करके देख लोगे, गुरबाणी वर्गा ही साडे कोल सच है, जिहड़ा सच ये कहिंदा आ कि मनुख की होनी सुधरनी चाहीदी है, मनुख नू अकल आउणी चाहीदी है। असी शब्द पढ़ते हाँ हर रोज़, आप रोज़ पढ़ते हाँ कि तीर्थ नावां जे तिस पावां बिन पाने के नाई करी, जे तिस उलट उपाई वेखां बिन कर्मां के मिले लई। जितनी भी सृष्टि है जे कर्मां च लिखिया तो मिलेगा, जे कर्मां च नहीं लिखिया तो नहीं मिलेगा। कर्म फिलोसफी यही है ना, इहदे च कोई शक नहीं गा। भी कर्म फिलोसफी कहिंदी भी वट एवर Your karma is gonna bring to you, you're gonna enjoy only that much. Isn't right? इहदे च तो कोई 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 इस तरीके नाल नहीं हैगा। बाबा जी बयान कर दे बिन कर्मा के मिलै लई, बिना कर्मा तो की मिलेगा तो की लोगे। पर मत विच रतन जवाहर माणिक, जदों मत आ जाती उदों कर्म बदल जाता। सिर्फ अपना कर्म नहीं बदलता बल्कि जो मिलना वह भी बदल जाता, फल भी बदल जाता, मत ही काम करती है। इसे लिए कहा जाता जे डेस्टनी बदलनी है फिर मत बदल, क्योंकि मत की सवारी जेड़े लोग सही तरीके ना कर दे वो मत, क्योंकि मत विजडम आ, रब वाइज आ, उस विजडम के जरिए उस वाइज नाल कनैक्शन बनता। दुनिया च कीमती चीज़ां आ करंसी वगैरह सारा कुछ, ये तो बीते तक जितना गोल्ड हुंदा सी गल कंट्रीज़ दे कोल उन्नी करंसी वो छापिया करदे सी। कुछ साल पहला ही इहदी जिहड़ी पॉलिसी चेंज कीती ते उस वक्त भी कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे सीगे कि दे आर गोना क्रिएट ए बिग मैस, ते अज ऑलमोस्ट मैस दे नेड़े है काम, जां समहाओ कुछ कैलकुलेशन ठीक बैठ गई वैस्टर्न वर्ल्ड दे विच यूक्रेन दा तो सारे उहदे करके, नहीं तो बिल्कुल क्राइसिस ते खड़े लोग एज ते। तुसी एनर्जी क्राइसिस देख रहे हो, फूड सप्लाई चेन क्राइसिस सॉरी जिहड़ा हैगा सप्लाई चेन क्राइसिस जिहड़ा हैगा वर्ल्ड वाइड मटीरियल दा देख रहे हो, तो फूड चेन क्राइसिस ऑलमोस्ट इट्स नीयर टू हैपन, वट्स गोना हैपन दैन आफ्टरवर्ड। मैं बीते हफ्ते किसी मित्र दे नाल सीगा ते ओ कहिंदे $2 कुछ सेंट डीजल दा रेट गैस स्टेशन ते लगा, वेख्या लम्मा जिहा हौका लिया भी इस तरीके दे नाल, पर फिर चलो क्या भी गैस ते पवाउणी है ना,
ਅਤੇ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਦਾ ਪਿੱਕਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨੋ ਗੈਸ, ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗੈਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਯਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਨਾਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਯਾਬ ਨਹੀਂ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਗਲੋਬਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਭ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੁੱਖ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋਏ, ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਰਹੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਹੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਔਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਔਫ ਕਰੋ, ਜੋ ਖਾਣ ਲਈ ਚਾਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਏ, ਫਰਿੱਜ ਭਰੀ ਹੋਏ, ਪੈਂਟਰੀ ਭਰੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਸਮ ਹਾਓ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਸਟੋਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੋਏ ਕਿ ਬਸ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਚੇਨ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੇਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਆ ਕੁਝ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਜਰਮਸ, ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਮੈਟਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਭ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੱਤ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਜੌਹਰਾਂ ਮਾਣਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 2 ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆਰਟਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਓ, ਰੋਕੜ ਕਮਾਇਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਖੂਨ ਵੇਚ ਕੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ ਇਹ? ਸੋਚੀਏ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ, ਸੋਚੋ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਕੈਸਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਦਰੋਹੇ ਮਿੱਤਰ ਠੱਗੇ ਘਾਟ ਵਸਾਹੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਿਲ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਲੈ ਲੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੋ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਤੋਲ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਯੂ ਲੂਜ਼ ਵੈਲਥ ਯੂ ਲੂਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦੈਟ ਵੈਲਥ। ਇਫ ਯੂ ਲੂਜ਼ ਹੈਲਥ
you lose a lot. You might not be able to revive it. And if you lose your character, your meaning of your life, you lose everything. बाबा जी कहिंदे आ बिल्ट कर सिखाउंदी गुरु दी सिख्या मत विच रतन जवाहर माणिक जे इक गुर की सिख सुनी कीमती चीज केड़ी होई फिर बिनती करांगा ये गल्लां ने अकल दियां दाने लोग कहिंदे ने अकल कोल होए ते बाहरों भी मिल जांदी है जे कोल ना होए बाहरों भी नहीं मिलती ये सरमाया आया। खैर जिहड़ी बिनती करन लगा सीगा सिख्या है जी ते सिख्या है कहानियां दे विच सिख्या है कहावतां दे विच सिख्या है मनुख दे बचना विच सिख्या है सियाणियां दे शब्द विच शब्द गुरु है जे ते सिख्या फड़नी है फिर ते फड़ लोगे ते जे सिर्फ गल्लां दी चीरफाड़ करनी है ते किसे नूं रोंग ते किसे नूं राइट सिद्ध करना है फिर लगा रहो सारी उम्र बंदे इहदे च किसे ने कुछ नहीं कढ़िया। तर्क दा मतलब सिर्फ ये नहीं हुंदा कि तुसी सिर्फ किसे नूं झूठा साबित करो ते अपने आप नूं सही साबित करो की फर्क पैगा इहदे नाल। झूठ सच दी खेड नहीं इह जिंदगी दी खेड है। जिंदगी नूं बंदे नूं जिहड़ा हैगा उसारी मिले उमाह मिले। इत्थे बचन आया अजामल गनका जिन सिमरत मुक्त भय जी जानो। अजामल जदों ना रखिया नारायण डेफिनेटली नारायण नाम रब दा ना है बच्चे दा रख लिया ते हुण माही मंगा साडे बड़े प्यारे मित्र ने ते बच्चे दा नाम रखन लगे घर दे ते मतलब I should not say exactly, but जिमें अजाम नारायण की गल की एवं नाम रख लिया हूँ जो एवं नाम रख लिया तो वो कहिंदे कि मैं वाइफ नूं कहा भी तेरी मैं मेरी गल सुन मेरा तो तू कभी सीधा ना लिया नहीं गा यू नो जस्ट माड़ी जी मैड हो ही नहीं तो मैनू तू शीशा विखाउण तक जानी है बच्चे का की हाल करेंगी मेरी तो वाइफ है दी तो माँ है तू ते बच्चे का कम ही इल्लत करना है हुण ध्यान रखी ना तू रख लिया तो मतलब इस रूप दे विच सपोज असी भी देखिए साडे घर दे साडे इतिहास का करैक्टर है एक इतिहास विच जिहड़ा वो एक गारबेज का हिस्सा जिहनू कहो उस रूप दे विच जिहनू असी नारायण दास नारायणू महंत कहिंदे आ मतलब नाम ते सारे कहिंदे ने सारे ना ही रब दे नां बिल्कुल पर कुछ नावां नूं स्पैसीफिकली लोकी याद करदिआं होइआं उहनां दे पिछे एक लफज होर कह देना चलो थोड़ी मैं पहले बात की है ना अकल दी गल है सिर्फ तर्क दी गल नहीं है जिवें सपोज इस नूं लैंग्विस्टिक भाषाई पक्ष च कहा जांदा है दो लफज ने चिहन ते चिहनित इको दा चिन्ह आ ते इको दे नाल चिहनित हुंदी है चीज़ पहचानी जाती है जदों आपां पानी कहिंदे आ साडे अंदर एकदम तस्वीर बनदी है पानी ओह है पानी तुसीं एक यूरोपियन नूं कहो पानी उहदे अंदर कोई चिन्ह नहीं बनता पानी का ईवन दो साउंड तो भी सुन रहा वो याद भी कर सकता साउंड उहनूं कह दे कैन यू रिपीट आफ्टर मी पानी वह कहिंदा पानी 10 times पानी 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 नाउ यू एक्चुअली नो द वर्ड पानी बट उन्हें पानी का कोई पता नहीं पानी की है जिन्नी देर तक वो व्याख्या करके नहीं समझ आता कि पानी विखा नहीं दिस इज पानी ओ सो यू टॉक अबाउट वाटर हाँ ये है एक चिहन है एक चिहनत आ शब्द उत्थे ही कारगर है जिसे चिहनत जो पहचान करवाए किसी चीज की बाबा जी ने नाम दिता रब का पर पहचान कराई सारी बाणी दे विच जे पहचान ना आई जिवें उस नूं तुसी ते भाई गुरुदास जी ने कहा कहिंदे खांड खांड कह जीभो ना स्वाद मिठो आवे बंदा खंड की पहचान ना होए खंड कदी वेखी ना होए सीगा जमाना जदों लोकी गुड़ शक्कर खांदे सीगे ते फिर बिल्कुल चिट्टे रंग की खंड आ गई
ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬੋਰੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਹਿ, ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ ਖੰਡ ਖੰਡ ਖੰਡ, ਮੂੰਹ ਥੋੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਯੂ ਨੋ ਖੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੜਾ ਹੋ ਆ ਬੋਰੀ ਖੋਲ ਆ ਦੇਖ ਆਇਆ ਖੰਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਬਣੇਗੀ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਚੁਲੀ ਇਨਟੇਕ ਇਟ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੂ ਇਟ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਈਟ ਇਟ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਚੁਲੀ ਇੰਜੋਏ ਦਾ ਸਵੀਟਨ ਪਾਰਟ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੋ, ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ। ਇਫ ਵਨ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ ਚੂ ਆਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਚੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੀਂਗ ਏ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀ ਡੂ ਦੀਸ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਸ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ। ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਰੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਫੂਡ ਦੀ ਕਰੇਵਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਰੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਐਨਰਜੀ ਲੋ ਹੋ ਰਹੀ, ਰੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਡਿਪਰੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾ ਲਿਆ ਫੜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਸਟਮਕ ਏਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਭਾਈ ਉਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਨੋ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੈਗਾ, ਪੇਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚਿਓਰ ਵਨ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ 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 ਅੱਛਾ ਹਾਊ ਅਬਾਊਟ, ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆਹ ਹੈਗੀ ਤੇਰੀ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਆਹ ਹੈਗੀ ਬ੍ਰੈਡ ਵਾਲੀ, ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਹ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਹ ਕਾਰ, ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰੀਏ, ਕੈਨ ਯੂ ਓਪਨ ਯੂਰ ਮਾਊਥ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਗੁੱਡ ਐਕਚੁਲੀ ਕੈਨ ਸੇ ਗਰਾਜ ਫਾਰ ਕਾਰ, ਓਕੇ ਓਪਨ ਇਟ, ਓਪਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੂ ਕਰ, ਉਹ ਚੂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੇਸਟ ਬਡਸ ਨੇ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਗੁੱਡ, ਓਕੇ ਵਨ ਮੋਰ ਕਾਰ, ਲੈਟਸ ਸਟੇਟ। ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਗਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਨਰਜੀ ਆ। ਉਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਕਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਾਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੈਡ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇ ਹੈ, ਇਟਸ ਪਲੇ ਆਫ ਲਵ, ਪਲੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਪਿਰਚੁਐਲਿਟੀ ਐਜ਼ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਗਵਾਈ ਹੈ ਬਾਦ। ਸਿਆਣਪ ਦਿਸ ਐਕਚੁਲੀ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਫਿਲੋਸਫੀ। ਪੀਪਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਸਕ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਕੁਛ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਯੰਗ ਫੈਲੋ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਸ਼, ਬ੍ਰੇਨ ਐਡਾ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਐਂਡ ਦੀਆਂ ਕਾਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਹੱਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਹਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਈਜ਼ ਆ।
बस इस तरह ही है। जिहड़ा जिंदगी दे तरीके सलीके दे विच देर आर फ्यू वीकनेसेस। रिलीजन मीन एज आई अंडरस्टैंड रिलीजन मीन सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन, दैट इज अ वेरी प्राइमरी स्टेज ऑफ रिलीजन। इफ वन इज रेडी टू फॉलो सम डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी मेजरमेंट्स इन हिज और हर लाइफ, दैट मीन दैट इंडिविजुअल कैन क्लेम यस आई एम मूविंग टूवर्ड स्पिरिचुअलिटी। बंदे नूं स्पिरिचुअलिटी विच्चों इक्को चीज डरा रही है, डिसिप्लिन। इस करके बंदा कहिंदा है भी एक होर क्वेश्चन हैगा, आई विल एक्चुअली से एंड देन आफ्टरवर्ड आई विल ट्राई टू डिस्कस द शब्द। लोग कहिंदे आर यू रिलीजियसली स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअली रिलीजियस? आर यू रिलीजियसली स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअली रिलीजियस? व्हाट्स वेयर डू यू स्टैंड? ये नवी दुनिया च रह रहे हैं असं, ये नवा संसार है। मैं तो कई बार बड़े जोकी वे गल्लां करदा कि मेन स्ट्रीम में साढ़े कई बार जिहड़े जिन्हां नूं असीं कम करदे कुलीक वगैरह होंदे तो कई बार सानूं कहणगे ओ गुलजार यू नो माई कैट इज सो स्पिरिचुअल। मैं सोचदा अच्छा तैनूं पता भी स्पिरिचुअलिटी की हैगी है? माई डॉग इज वैरी स्पिरिचुअल, आई कै शुड से हिज सोल इज वैरी स्पिरिचुअल सोल। ओ तू तो फिर ब्रह्म ज्ञानी हो गया, तू तो सोल नू समझ गया किसे दिनों। सानू थोड़ा जा कंफर्ट ते थोड़ा जा अनकंफर्ट साड़ी पूरे दी पूरी डेफिनेशन बदल देंदा। इत्थे बचन आ दुख हरता हर नाम पछाणो। दुख दी अजामल नू दुख की है? अजामल नू दुख है नहीं पी उहदे घर दे दाणे मुक्के ने? अजामल नू दुख है नहीं पी उहदे घर दी छत चो रही है? यह संसार है, यह कमाना पैना है, इत्थे दुख कुछ होर है। दुख है जो बंदे कोल जीवन जीण दा ढंग नहीं गा सही, वे ऑफ लाइफ जिहड़ी हैगी है वो किसी रोंग डायरेक्शन लैके जा रही है सानू। उहदे तों तुहानू दुनिया का मटीरियल बचा सकता है? नो वे। तुहानू दुनिया की नैटवर्किंग बचा सकती है? नो वे। तुहानू उहदे लई कोई होर चीज़ चाहीदी है, उत्थे फिर नाम आउंदा, उत्थे फिर धर्म का उपदेश आउंदा, बाणी आउंदी है। बंदे की जिहड़ी रियल इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, तब्दीली है, वह जिथे लोड़ींदी है उत्थे भाई। सपोज इहनू होर सरल करां, जिहड़ा काम लाइट ने करना है, दीवे ने करना है, वो कोई होर चीज़ नहीं कर सकती। तुसीं कहो कमरे च हनेरा आ ते मैं ना वैक्यूम नाले नूं खिंच लवांगा, लगे रहो सारी उम्र। तुसीं देखो हद हो गई, कूड़ा बड़ी छेती खिंच लैंदा, हनेरा क्यों नहीं खिंच? नहीं खिंचेगा भाई। तुसीं कहो एक काम करदा इहनू भी, कई बार कोई चीज़ ना जिवें कोई सपोज किते कोई बैड एनीमल आ गया, कोई चीज़ आ गई, उन्हें डंडे नाल डरा लेंदे हो। डरा लैने आपां, नेरे भी डरा लैने, डंडे खड़काई जाओ, सारी उम्र खड़कांदे रहो, नहीं जाएगा। फिर सॉरी टू से बहुत इलिट्रेशन है साड़ी इस दुनिया दे विच। साड़े लई धार्मिक बंदे की पहचान भी मटीरियलिस्टिक मैजरमेंट नाल आ। असी बंदा पछाणदे हां भई फॉलोइंग बड़ी है बंदे की, गो अहेड। फेम दे बेस ते जे किसी नूं अध्यात्मी तल ते तोलोगे फिर ते सारे जिन्ने सो कॉल्ड आ सुपरस्टार दिखाउंदे ने, दे शुड बी। पैसे दे बेस ते किसी चीज़ ते भाई गल ए है, जिहड़ी असल विच ह्यूमन सेंस आ वो किन्नी है उत्थे देखो जाके। जिहड़ी बात हो रही है, क्योंकि साड़ी दुनिया की समस्या ये बन गई है, वेस्टनाइज जिहड़े इंट्रस्ट ने वो इतने जोरावर ने, सिर्फ फोकस इको चीज़ ते है कि इस दुनिया नू अपने तरीके नाल यूज करना है, जिदे च एक कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी है ना, तो कंज्यूम असी सारे ही करते हैं,
ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਫੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਰਹੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੰਟਲੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੰਟ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਮਾਨਵਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਚ ਫੇਮਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਸੋਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੰਗਸਟਰ, ਯੰਗ ਤਬਕਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੁਣੇਗਾ, ਯਾ ਦੈਟਸ ਟਰੂ, ਯੂ ਨੋ ਹੋਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਰ ਓਲ ਰਿਲੀਜਨਸ ਆਰ ਕਲਟ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੀਪਲ ਆਰ ਬੈਡ ਪੀਪਲ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੈਕਸਟ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਡਿਸਿਪਲਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲੀਵ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਬਿਲੀਵ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟਰਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜਾਮਲ ਗਨਕਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵੇਦਨ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹੈਵ ਟੂ ਲੀਵ ਹੇਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਟੂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ, ਟੂ ਬੀ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਕੰਗਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਈਵਨ ਦੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਹੇਅਰ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਥਰੂ ਦ ਟੀ ਵੀ ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਐਕਚੁਲੀ ਗ੍ਰੇਟ ਐਫਰਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।